Hyderabad and Cyberabad police have started a massive crackdown in what appears to be a 22,000 लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद इंसाफ के लिए भटक जो कि टेलीग्राम है उसका इस्तेमाल ये जो जालसाज है वो करने लगे हैं जी। बंदूक से लूटते हैं ना चाकू से, इनका हथियार है इंटरनेट जिसे ये लोग अनकवरिंग द टॉप 5 सोशल मीडिया स्कैम्स एंड व्हाट यू नीड टू नो टू अवॉइड बिकमिंग अ विक्टिम। Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So today we are doing scams, मतलब scams नहीं कर रहे, scams के बारे में बात करेंगे and वो भी one scam in particular जो फिलहाल मेरे दोस्त के साथ हुआ. So आजकल ये OLX, Instagram, Telegram, Facebook, do you guys still use Facebook? Anyways, basically हर social platform पे ये scams बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सिर्फ YouTube पे नहीं हो रहे. वैसे Nigerian Prince वाले scams तो बरसों से चले आ रहे हैं but आजकल जो भी scams हो रही है बहुत ज़्यादा ही common हो. नमस्कार, मैं अनूप टोनी. कौन है तुम? सतर्क रहें, सावधान रहें, देख रहे हैं आप। ऐसा करारा इंट्रो देने के बाद भी ये नौजवान मुझसे कैसे बेहुदा सवाल कर रहा है। जैसा कि ये नौजवान कह रहा था कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसी किसी स्कैम के शिकार हुए हमारे एक दोस्त। मेरे दोस्त ने हाल ही में आईफोन लिया था और एप्पल का तो आपको पता ही, आप एक एप्पल प्रोडक्ट लेते हो तो आपको बाकी सारे एप्पल प्रोडक्ट्स अपसेल किए जाते हैं इन अ वेरी सटल वे, पर ये स्कैम नहीं है टेक्निकली। सो किडनी ऑपरेशन के बाद मेरे दोस्त को मन हुआ एयरपॉड्स लेने का, बिकॉज एयरपॉड्स बिना आईफोन तो अधूरा ही है। नाउ कमिंग बैक टू माई दोस्त एंड दैट इंस्टाग्राम पेज जिन्होंने उसे ठगा। सो इंस्टाग्राम पे एक पेज है कस्टम गराज नाम का, ये लोग अपने पेज पे एक्सपेंसिव गैजेट्स के फोटोज वीडियोज पोस्ट करते हैं एंड दे पुट देम अप फॉर सेल और वो भी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब एयरपॉड्स प्रो का प्राइस 25K के अराउंड आता है पर ये बहन जी या भाई जी जो भी इस इंस्टाग्राम पेज के पीछे है वो इसे 10K में ऑफर कर रहा है। पर कैसे? मेरा दोस्त काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था इनके प्रोडक्ट्स में तो उसने इन लोगों को DM किया सारे डिटेल्स जानने के लिए कि प्राइस क्या है, डिलीवरी चार्जेस क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स ओरिजिनल होते हैं पर ये कस्टम्स में फंसे हुए होते हैं तो ये लोग कुछ जुगाड़ करके कस्टम से प्रोडक्ट्स लाते हैं और ओपन मार्केट में सेल करते हैं। इंटरेस्टिंग, मेरे दोस्त ने सोचा दिस इज अ स्टील। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली बात भी कर रहे थे। उनका पेमेंट पॉलिसी था 50% अपफ्रंट वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर एंड 50% डिलीवरी के टाइम। मेरा दोस्त काफ़ी कन्विंस हो चुका था मगर इंस्टाग्राम वाले लोग अपने प्लान को फूल प्रूफ बनाने के लिए इसको एक प्रोडक्ट की वीडियो भी सेंड कर देते हैं। शब्दों की जाल में फंस के ये कस्टम गराज का दरिंदा अपने शिकार को रिझा रहा था और ये नादान परिंदा उस एयरपॉड्स में जेनरिक पॉडकास्ट सुनने के सपने देख रहा था। इस मासूम को तो ये पता भी नहीं था कि जिस कस्टम गराज से ये एयरपॉड्स आने के सपने देख रहा है वो इसे मायूसी के सिवाय और कुछ नहीं देंगे, इनफैक्ट इसके फॉलो के बदले फॉलो बैक भी नहीं। और उसी एक्साइटमेंट में ये बार बार अपनी UPI पिन गलत डाल रहा था, 4200 है। कस्टम गराज को 5,000 रुपए मिल चुके थे बट द जॉब वॉज हाफ डन। उन्होंने सोचा कि 5,000 और मिलने की संभावना है सो उन्होंने इसको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा और उसके कुछ टाइम बाद उनका व्हाट्सएप पे कॉल भी आया। हेलो सर, मैं कस्टम गराज से बोल रहा हूँ। आपने एयरपॉड्स प्रो ऑर्डर किया था उसका कंफर्मेशन ईमेल भी आपको गया होगा। सर आपका जो लोकेशन है और हमारा ऑफिस सेम स्टेट से बिलोंग करता है तो हम लोग आपको आज के आज ही इनहाउस डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर आप पूरा अमाउंट पे करते हैं तो हम आपको अभी के अभी शिफ्ट इमीडिएटली कर देंगे प्रोडक्ट, जिससे कि आपको आज ही डिलीवरी मिल जाएगा बट यू हैव टू पे द फुल अमाउंट सर। मेरे दोस्त को थोड़ा अजीब लग रहा था पर उन्होंने इसको आखिर में कन्विंस कर ही लिया एंड ही सेंड देम अनदर 5K। Now the moment of truth. You can no longer send messages to custom garage. WhatsApp पे भी block हो चुका था, calls भी नहीं लग रहे थे और दूसरे number से भी contact establish नहीं हो पा रहा था। और अब इससे पता चल चुका था कि इसके पैसे डूब चुके हैं। That's right. मेरे दोस्त ने पुलिस कंप्लेन करने की भी कोशिश की लेकिन कभी उसको एक पुलिस चौकी से दूसरी पुलिस चौकी भेजा जाता तो कभी उसे साइबर ब्रांच में कंप्लेन करने को कहा जाता था। यही है हमारे देश का सिस्टम। अंत में वो हार मान गया और वो मासूम गिव अप कर दिया। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगा और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि ऐसे कस्टम प्रोडक्ट्स, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी पेजेस हैं
जो ऐसे चीजों को बेच रही हैं, बट इन सब के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि जो भी आपको ऐसे शॉर्टकट्स बता रहे हैं उसमें से 9 times out of 10 देर इज ए कैच। कभी कभी प्रोडक्ट आपको डिलीवर तो हो जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सब स्टैंडर्ड होती है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने में इन सब चीजों के लफड़े में पड़ते हो उससे थोड़े से ज्यादा पैसे लगाकर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो कस्टम गैराज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर फॉलो मत करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जाकर उस अकाउंट को रिपोर्ट करो, सो डैट आगे चलकर किसी के साथ भी वो ऐसा ना कर सकें। और एक चीज याद रखिएगा कि आज जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है वो कल को आपके भी किसी दोस्त के साथ हो सकता है, एंड हो सकता है वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड हो। सबक एक को सीख हम सबको, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन।